मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आज मध्य प्रदेश दौरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। रीवा, कटनी और भोपाल प्रवास पर रहेंगे अनुराग ठाकुर। रीवा और कटनी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल के निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल प्रवास होगा, रीवा कटनी दौरे पर भी होंगे। रीवा और कटनी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। गब्बर, कब तक पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर? क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम आज निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल अमित जी, देखिए अनुराग ठाकुर हैं जो की केंद्रीय मंत्री हैं और इनका आज मध्य प्रदेश दौरा है, जिसमें रीवा, कटनी और भोपाल प्रवास बताया गया है। जो उनका शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से अगर कहा जाए तो 11:15 बजे ये दिल्ली से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और ये हेलीकॉप्टर से इसके साथ में रीवा पहुंचेंगे। हम 12 बजे रीवा में प्रबुद्ध जनों का जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो फिर 2 बजे कटनी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, वहां जनता के लिए संबोधित करेंगे। शाम 6:20 का समय दिया गया है भोपाल का और निजी विमान से यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ में 9:50 यानी 10 बजे के आसपास में कहा जाए कि दिल्ली के लिए भोपाल से रवाना हो जाएंगे। तो आज कहा जाए कि केंद्रीय मंत्री सहायक मंत्री का आज मध्य प्रदेश दौरा है और मध्य प्रदेश दौरे के साथ साथ में कहा जाए कि वो करीबन 3 सभाओं के लिए संबोधित करेंगे जो जनता है उसके लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आज शाम तक या कल हो सकता है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए। तो आज विशेष तौर से इनका दौरा माना जा रहा है और ताबड़तोड़ सभाएं इनकी की जा रही है। जी जी गब्बर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।